हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। और मैं जानती हूँ कि आप लोग जो मैं पढ़ाती हूँ उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सबमिट बटन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन अप बटन में देखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो अलग सेशन में बताएंगे। वैसे तो आपका बहुत कुछ रह गया है, अभी चेक बॉक्सेस रह गए हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट रह गई है ना फॉर्म में, तो ये हम अगले क्लास में बात करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने आपको जो है एक सिंपल फॉर्म बनाना अभी तक बताया है, और ये बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है आपके लिए। और साइन अप बटन में कहीं इसमें जावा, PHP लैंग्वेज, ये सब चीज़ों का भी बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए जो है साइन अप बटन अभी ना बता के मैं आज और कल आपको क्या बताऊंगी, कल आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि रिवाइज करवा के सबमिट बटन। और आज भी मैं ये बता रही हूँ ताकि 2 दिन में आपके ये दिमाग में चीज़ बैठ जाए। मेरे पढ़ाने का मकसद यही होता है, न सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करना बल्कि आपके माइंड में वो चीज़ें एकदम सेट हो जाएं, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है जो भी मैं आपको कंटेंट सेंड करती हूँ उसका। तो खैर, अब हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, विंडो की प्रेस करेंगे, यहाँ पर नोटपैड देखेंगे, या हम रन डायलॉग से खोलें, या फिर फाइल क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, नोटपैड की आइकन क्रिएट कर लें। नोटपैड में जाएंगे तो आपको पता ही है आपने यहाँ पर क्या लिखा था। आपने सबसे पहले यहाँ पर चार चार नेसेसरी टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है? जो सब आपने फॉर्म बनाया है ना, वो ही खोल लीजिए अभी, नोटपैड कल खोलिएगा। चलिए काम करते हैं, जो अभी तक तो फॉर्म हमने बताया है आपको बनाना, तो आपने बनाया तो ज़रूर होगा, तो जहाँ भी वो आपका फॉर्म होगा उस फॉर्म को खोल लीजिए, ठीक है? अब वो फॉर्म आपका, अगर आपने जो है अभी तक कंप्लीट टैग नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है वो आपका ब्राउज़र में नहीं खुलेगा, वो जो है नोटपैड में खुलेगा। अगर फिर भी किसी वजह से अगर ब्राउज़र में शो कर रहा हो तो वहाँ पे आएगा, जैसे ही आप फाइल फॉर्म वाली फाइल पे कर्सर रखेंगे तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की प्रेस कीजिएगा, तो वहाँ पे आएगा ओपन विद नोटपैड, तो नोटपैड में खोलेगा, ठीक है? एंटर करके तो आपने देखा होगा फॉर्म में ज़रूरी वाले टैग हमने कौन से दिए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो हमने क्या दिया था, HTML टैग दिया है, फिर हमने क्या दिया है यहाँ पर HTML टैग के बाद हमने यहाँ पर हेड टैग दिया है, फिर टाइटल दिया है, टाइटल में हमने फॉर्म लिखा, जो भी फॉर्म हमें बनाना है वो बस फॉर्म डाल देते हैं, टाइटल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, फिर बॉडी, फिर बॉडी टैग क्लोज ओपन किया। हेड टैग को क्लोज करने के बाद टाइटल टैग और टाइटल देके और हेड टैग तो क्लोज हो गया, अब बॉडी टैग ओपन किया। तो बॉडी टैग के बाद हमने आपको बताया था कि आप एक फॉर्म के लिए टैग ज़रूर लेंगे, लेस फॉर्म ग्रेटर, यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन से फॉर्म के बारे में देनी है आप दे सकते हैं, विदाउट हेडिंग या विद हेडिंग दोनों के लिए फॉर्म बना सकते हैं। तो आप हेडिंग का भी एक टैग हमने आपको बताया है कि हेडिंग Level 1 का, जिसमें हमने एंटर योर इन्फॉर्मेशन डाल दिया था, ठीक है? अब हमने क्या, अब मैं पूरा आपको नहीं बता रही हूँ, बस जस्ट एक जायज़ा दे रही हूँ, कल फिर हम और बात करेंगे ना इसलिए। तो अभी हमने क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट नेम कोलन है, फिर हमने फर्स्ट नेम के हमारे लाइन चेंज करके हमने क्या डाला, एंटर इन्फॉर्मेशन के बाद हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया, लाइन चेंज की, फिर हमने फर्स्ट नेम कोलन और फिर उसका लिए उसका इनपुट यूज़र कैसे एडिट करेगा उसके लिए हमने वो बनाया है एट्रीब्यूट यूज़ के, फिर लाइन चेंज की, फिर लास्ट नेम कोलन है, फिर हमने उसके लिए जो एट्रीब्यूट बनाया है यूज़र कैसे इन्फॉर्मेशन एडिट करेंगे वो, फिर उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ लाइन चेंज करके डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका इनपुट के लिए बनाया है एडिट के लिए, फिर हमने जो है मतलब वो इनपुट बनाए हैं वो, तो अभी एडिट वगैरह तो आपको तभी दिखाएगा जब ब्राउज़र में खुलेगा, अभी तो नोटपैड बता रही हूँ, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, Gmail ID, एड्रेस, ये सब हमने हर बार लाइन चेंज की, फिर हमने वो लिखा जैसे कॉन्टेक्ट नंबर कोलन, फिर उसके लिए इनपुट। तो इस तरह से हमने जो भी एट्रीब्यूट यूज़ किए इनपुट में वो सब आपको बता दिया है, अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग तो कल बात करेंगे ही। तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं जहाँ हमने एड्रेस लिखा है, तो एड्रेस लाइन चेंज करके एड्रेस कोलन, और फिर हमने एड्रेस के लिए इनपुट डाले थे, फिर अब यहाँ से लाइन चेंज करते हैं। लाइन कैसे चेंज करेंगे, एंटर या लेस br ग्रेटर, एंटर कर देंगे, एंटर करना तो है ही, वो तो नोटपैड में लाइन चेंज होगी, लेकिन अगर वेब पेज पे चेंज करनी है तो क्या करेंगे, लेस br ग्रेटर, तो लेस br ग्रेटर करेंगे। और अब यहाँ पर कैसे लिखना है हम आपको, आप देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको सबसे अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप
सबमिट बटन कोलन कीजिए, सबमिट बटन कोलन, फिर सबमिट बटन कोलन करने के बाद अब यहाँ पे करेंगे लेस INPUT इनपुट, फिर स्पेस कर दें और यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, टाइप TYPE इज इक्वल टू, फिर कोट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सबमिट, कोट में क्या लिखेंगे, सबमिट, और कोट क्लोज कर देंगे और ग्रेटर कर देंगे। अब नेम वाला जो नेम जैसा जो एट्रीब्यूट था वो हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सबमिट बटन कोलन करके और यहाँ पर एक इनपुट बना लिया है, लेस इनपुट INPUT स्पेस करके हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, टाइप लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया, इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद कोट ओपन करके हमने यहाँ लिखा सबमिट, SUBM पर सबमिट का तो स्पेलिंग सभी जानते हैं, फिर कोट क्लोज कर देंगे ग्रेटर। अब इसको क्या कीजिए, कंट्रोल एस कर लीजिए, वैसे तो इसमें अभी बहुत कुछ रह गया है, मतलब ड्रॉप डाउन और जो है चेकबॉक्स, लेकिन जब आपने सेव किया होगा इसे तो मैं यकीन करती हूँ कि आपने F12 किया होगा या कंट्रोलर्स, तो वहाँ पर फाइल जब नेम लिखा होगा तो वो तो एक बिना स्पेस के उसमें लाइन लगा लगा के लिखा होगा शिफ्ट डैश से, और .html फाइल एक्सटेंशन दिया होगा, और फाइल टाइप में आपको पता ही है, हमेशा बताती हूँ क्या करना है, आपको ऑल पे रखना है और फिर आपको जहाँ सेव करना है वहाँ। अब आप सेव करके अब क्या कीजिए, यहाँ पर इस फाइल को सेव हो गई है, अब इसको दोबारा खोलिए, तो दोबारा खोलेंगे तो आपको दिखाएगा हेडिंग, ये कि फॉर्म है, हेडिंग लेबल 1 है, ये कभी कभी 2 भी दिखा देता है 1 को, ये ऐसा भी होता है, वो कोई इशू होता है। गूगल क्रोम में खोलिए इसको, है ना, ये मोजिला में खोल लीजिए, तो हेडिंग लेबल दिखाया आपको, फिर उसके बाद आपने हेडिंग लेबल डाला है तो दिखाएगा, फिर आपको दिखाएगा फर्स्ट नेम, तो फिर दिखाएगा एडिट योर फर्स्ट, एडिट योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने लिखा है इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन तो देगा फर्स्ट नेम एडिट, है ना, फर्स्ट नेम एंटर योर इन्फॉर्मेशन, फिर दिखाएगा लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम एंटर योर इन्फॉर्मेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, फिर सब के लिए आपको दिखाएगा, एडिट बॉक्स बने हुए हैं सबके लिए दिखाएगा, ठीक है। और आप टैप टैप से मूव करके और आप डाउन एरो से भी कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पे ख़ास तौर पे आप टैप से कीजिएगा, क्योंकि इसमें एरर दिखाता है कभी कभी, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बनाना बता दिया है, लेकिन इसमें कई बार इश्यूज़ भी आते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ तो ख़ास तौर पर आप टैप से ही नेविगेट कीजिएगा। लेकिन जब आप सबमिट करेंगे सबमिट बटन पे, तो आप सबमिट बटन तो आपको मिलेगा, जब आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि बाकायदगी के साथ मैंने उसे जो है एक प्रॉपर वे में अभी यूज़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो नहीं बनाया है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो जो स्क्रिप्ट का यूज़ होता है वो भी हम आगे देखेंगे, तो सबमिट बटन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी फॉर्म हो जाएगा, ये तो मैंने हमने ऐसे ही बनाया है, तो लास्ट में आपको सबमिट बटन मिलेगा, तो आप सबमिट कर, तो ये आपने देखा, ये कल और हमें आपको इसी तरह समझाऊंगी, और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि मंडे से हम लोग और नेक्स्ट उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कल भी हम सबमिट बटन को और अच्छे से समझेंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।